हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। राहुल गांधी के बयान संसद में अक्सर माइक बंद रहते हैं, पर राज्यसभा के उपसभापति ने कहा यह झूठ है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान लोकसभा में अक्सर माइक बंद रहते हैं पर प्रतिक्रिया दी है। हरिवंश ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है, इससे ज्यादा झूठ कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं 9 वर्षों से संसद में हूँ, ऐसी बात किसी से नहीं सुनी। मोरबी ब्रिज मामले में ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल की जमानत याचिका हुई खारिज। खबर है कि गुजरात के मोरबी पुल हादसे मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने ओरवी कंपनी के एमडी जयसुख पटेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जयसुख पटेल ने हादसे में मृतकों के परिवारों और घायलों को मुआवजा देने से जुड़े हुई जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कोर्ट से 15 से 20 दिनों के लिए जमानत मांगी थी। आपको बता दें कि मोरबी में केबल ब्रिज टूटने से करीब 135 लोगों की जान गई थी। डीके शिवकुमार ने कहा, कांग्रेस के सर्वे में कर्नाटक में पार्टी को 140 से अधिक सीट जीत का है अनुमान। खबर है कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने पार्टी के एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस को राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में कुल 224 सीटों में से 140 से अधिक सीटों पर जीत का अनुमान है। शिवकुमार ने दावा किया कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई मौजूदा विधायक कांग्रेस में शामिल होंगे। सीबीआई ने 60,000 करोड़ के पोंजी घोटाले में पल्स ग्रुप के तत्कालीन निदेशक को किया अरेस्ट। खबर है कि सीबीआई ने 60,000 करोड़ के पोंजी घोटाले में पल्स ग्रुप के तत्कालीन निदेशक हरचंद सिंह गिल को गिरफ्तार किया है। गिल को ऑपरेशन त्रिशूल के तहत फिजी से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया। सीबीआई के मुताबिक पिछले साल इस ऑपरेशन को शुरू किए जाने के बाद से लगभग 30 भगोड़ों को सफलतापूर्वक भारत लाया गया है। कांग्रेस ने कहा, भारतीय बिजली उपभोक्ताओं की कीमत पर बीजेपी की किस्मत चमका रहा है अडानी समूह। खबर है कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अडानी समूह भारतीय बिजली उपभोक्ताओं की कीमत पर बीजेपी की चुनावी किस्मत चमका रहा है। उन्होंने कहा कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने 2020 में चीनी इकाइयों समेत कई एशियाई निवेशकों से $1 बिलियन का कर्ज लिया और इन विदेशी ऋणदाताओं के पास अडानी इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और के अधिकार भी हैं। जेल अधिकारी ने कहा, तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया के वार्ड में उनके पड़ोसी हैं कई खूंखार अपराधी। तिहाड़ के जेल अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को वार्ड नंबर 9 में रखा गया है। बकौल अधिकारी, सिसोदिया जल्द ही यह सेल किसी दूसरे आरोपी के साथ साझा करेंगे और इस वार्ड में कई खूंखार अपराधी उनके पड़ोसी हैं। सिसोदिया को स्पर्श किट दिया गया है जिसमें टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश एवं अन्य सामान होता है। सिसोदिया को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। इसरो ने प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक गिराया 1000 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट। खबर है कि इसरो ने बताया कि उसने मेघा ट्रॉपिक्स 1 यानी MT-1 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है। इसरो ने कहा कि सैटेलाइट ने पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया और प्रशांत महासागर के ऊपर विघटित हो गया। करीब 1000 किलोग्राम वजनी इस सैटेलाइट को ट्रॉपिकल वेदर व जलवायु के अध्ययन के लिए अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।